सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहम्मद रफी। रफी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। मैं मोहम्मद रफी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, भाजपा नेता, कस्बा गुंदर की जनपद मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। रफी जी, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं और उनको पूरा करने की लगन होती है, आपका क्या सपना रहा? मेरा सपना था कि शुरू से ही मैंने संघर्ष किया और एक मध्यम गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया और इसके बाद मैं स्पोर्ट्स में शामिल हुआ और नेशनल लेवल पे मैंने इंडिया में पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल पे भी अनेक पदक प्राप्त किए और उसके बाद मैं धीरे धीरे जिस परिवार से बिलोंग करता था आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वर्ष 2006 में मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा चयन हुआ और उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने स्पोर्ट्स में लगातार मेडल प्राप्त किए और पुलिस विभाग में नौकरी भी करता रहा। वर्ष 2018 में मैंने नौकरी को त्याग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। रफी जी, इंसान की जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है और उन्हें चुनौतियों से इंसान सीखता भी है, तो आप जिस मुकाम पर है, यहाँ पहुँचने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं एक्चुअली जिस परिवार से आता था तो बहुत ही मध्यम और गरीब परिवार से मैं आता था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी मजदूरी करते थे, जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण होता था। उसके बाद मैं नौकरी में आया, नौकरी में आने के बाद जिस जगह से मैं आता हूँ, नगर कुंदर की एक छोटा सा कस्बा है जनपद मुरादाबाद का, तो मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई लेकिन समाज की जो वहाँ का तबका है, 90% मजदूर लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी स्थिति बेहतर नहीं थी। जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल भी वहाँ उस तरह से काम नहीं किया, तो डे बाई डे स्थिति खराब होने की वजह से मुझे बहुत अफसोस होता था। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि कुछ अलग किया जाए, इस भीड़ से निकल के एक अपनी पहचान बनाई जाए, पहचान के साथ साथ इस समाज को एक उचित स्थान पर लाके खड़ा किया जाए। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी है, ठेला लगाते हैं, पंचर जोड़ते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस भीड़ से निकल के उनके हाथ में कलम देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और जब शिक्षा होगी तो ये तरक्की की तरफ चलेगी। जी रफी जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है? मैंने APJ अब्दुल कलाम जी को अपना गुरु माना, आदर्श माना, क्योंकि वो जिस परिवार से आए, उन्होंने बताया कि सपने वो देखने चाहिए जो खुली आंखों से देखने हो, ख्वाब वाले सपने नहीं देखने चाहिए। मिसाइल मैन थे आप, एक छोटे से परिवार से आते थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं चलता रहा और संघर्ष करता रहा और आज भी समाज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं एक दिन इस समाज को एक अच्छी ऊँचाई पर ले जाऊँगा, अपने साथ साथ इस कौम के हर धर्म, हर वर्ग को मैं बढ़ावा दूंगा। जी रफी जी, आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में आपने टीम इंडिया का नाम रोशन किया है, कब आपकी रुचि खेल के प्रति हुई? मैं बचपन से ही खेल से जुड़ा रहा हूं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वहां पर ना तो कोई प्लेटफॉर्म था, तो हम लोग वैसे ही नॉर्मल जगहों पर तैयारी करते रहते थे। लेकिन जब मैं वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में आया, तब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, खेलने के साधन मिले और मैं तरक्की की राह पे चल दिया। जी रफी जी, अगर हम तब के दौर की और अभी के दौर की बात करें, तो वेट लिफ्टिंग को आप किस नजरिए से अभी देखते हैं? देखिए, वेट लिफ्टिंग में उस दौर में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। अभी ओलंपिक में भी चानियो दीदी ने इंडिया का नाम रोशन किया, पूरे वर्ल्ड में भारत का फ्लैग लहराया और अब इतना अंतर आ गया कि जगह जगह पर्याप्त साधन हो गए हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में पर्याप्त साधन है, प्रैक्टिस के लिए बच्चे आसानी से जा सकते हैं। लेकिन उस दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता था, दो चार जगह ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे जहां पे हम लोग तैयारी कर पाते थे, तो इसलिए अब तो बहुत अंतर आ गया है। अब नया भारत बना है तो अंतर भी जाहिर सी बातें आ गया है। जी।
क्या सरकार को इस फील्ड में और भी सुधार लाने की जरूरत है? नहीं, सरकार जैसा काम कर रही है, माननीय केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत बढ़ावा दिया है इस खेल को। भारत सरकार ने जहाँ जहाँ साधन नहीं थे वह पर्याप्त मात्रा में पहुँचाए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सुधार है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा को हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन बच्चा गरीब है, उसे लाके स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि प्रतिभा हम ढूंढ के जब लाएंगे तो जाहिर है वो प्रदेश के साथ साथ भारत का नाम रोशन करेगा। जी रफी जी, वेट लिफ्टिंग को लेकर आज के दौर में कैसा भविष्य देखते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें और कभी भी हार ना माने, क्योंकि जब खेल मैदान में इंसान उतरता है तो हार और जीत निश्चित ही होती है, लेकिन उस हार को एक नए युग की तरफ लें, एक प्रेरणा की तरफ लें, आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज का युग जो है खेलो इंडिया, फिट इंडिया, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, ऐसे खेल के साधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दिए हैं। बीच बीच में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हर वर्ग के हर खिलाड़ी को सम्मान दे रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो अब बहुत बदलाव की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को, खेल प्रेमी हो, खिलाड़ी हो, उसे संघर्ष करने की जरूरत है। अगर वो संघर्ष करेगा तो एक दिन उसे उसका मुकाम हासिल हो जाएगा। जी रफी जी, आपने 14 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना अहम योगदान दिया, फिर आपने VRS ले लिया, क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं भर्ती हुआ, खेल मैदान में मैंने अपने आप को लगाया, उस रेस में लगातार पदक भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मैंने दिए। इसके बाद में जब मैं समाज की तरफ देखता था तो मुझे बहुत ही मायूसी होती थी, क्योंकि वो समाज जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, तो मुझे लगा कि मुझे इस नौकरी को छोड़कर समाज सेवा करनी चाहिए और अब मैं अपना जीवन समाज सेवा के रूप में जनता के बीच में दे रहा हूँ। क्या चीज़ आपको प्रेरित की कि आपने पुलिस में आने का सोचा? पुलिस में मैम प्रेरित की वजह यही रही कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी मेरी और मैं नौकरी की तलाश में इसलिए था कि अगर मुझे रोजगार मिल जाएगा तो इसके साथ साथ मुझे खेल को भी बढ़ावा मैं दे सकूंगा और परिवार का पालन पोषण भी कर सकूंगा। जी जैसा अभी आपने कहा कि खेल को बढ़ावा दे सके, तो क्या अभी ऐसा कुछ कार्य आप कर रहे हैं जिससे खेल को बढ़ावा मिले? मैं लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हों या स्टेट में खिलाड़ी हों, फिट इंडिया मूवमेंट में पिछले कई सालों से चला रहा हूँ। जो सम्मानित खिलाड़ी हैं, जो पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनको सम्मानित करवा रहा हूँ, चाहे वो प्रदेश के, स्टेट के मिनिस्टर्स हों, केंद्रीय मंत्री हों, उन लोगों को ले जाके उनके बीच में बिठालता हूँ और लगातार इन कार्यक्रमों कर रहा हूँ ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे और उनका मनोबल हाई लेवल पर रहे। वेट लिफ्टिंग में आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना योगदान दिया, फिर आपने राजनीति में आने का कब सोचा? राजनीति में 2017 से के बाद जब मुझे इंजरी हो गई थी ऑल इंडिया पुलिस में, जयपुर में खेलने गया था तो डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अब आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, इंजरी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद मैं समाज के बीच में जाता था तो लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था, कोई इस तरह से रह रहा है, पंचर जोड़ रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, क्योंकि हमारे वर्ग में लोग शिक्षा की तरफ उस दौर में ध्यान नहीं देते थे 2006 से 17 तक जैसे चलता आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे संघर्ष करना चाहिए, तभी मैंने ये नौकरी को त्याग करते हुए पॉलिटिक्स में अपने कदम रख दिए, इसलिए कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं कहीं ना कहीं हर वर्ग को आगे बढ़ाऊंगा। जी यूपी पुलिस में आपने सेवा दी है, तो आज के दौर में और तब के दौर में कानून व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? यूपी पुलिस में सबसे बड़ा बदलाव सरकार चेंज होने के बाद 2017 में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। जिस तरह से पहले लूटपाट होती थी, छेड़छाड़ होती थी और पुलिस खुल के अपना काम नहीं कर पाती थी सीधे तौर पे कहा जाए, लेकिन आज के दौर में जो हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे कार्य कर रहे हैं, सरकार 2017 में चेंज हुई, इससे पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, तो उसके बाद में इतनी बड़ी बदलाव इसलिए देखने को मिलता है कि पुलिस फ्रीडम है, हर अधिकारी फ्रीडम है, न्याय की तरफ उसको पूरा अधिकार है कि सही इन्वेस्टिगेशन करे और मुजरिम को जेल पहुँचाए और जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय मिले। रफी जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेरा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैंने सारी पार्टियों को रिसर्च किया, जाना समझा जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। उसके बाद में मैंने रिसर्च किया क्योंकि हर पार्टी में कहीं ना कहीं परिवार हावी था,
इस पार्टी में जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने इसको पढ़ा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों को जाना, पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो जो उन्होंने कहा मैंने उसे फॉलो किया। राष्ट्रवादी पार्टी, परिवार का इसमें ऐसा नहीं कि परिवारवाद ही इसमें चल रहा है, तो इसमें मुझे लगा कि एक आम कार्यकर्ता भी इसमें अपना भविष्य बना सकता है, जो मेहनत करेगा वो इस पार्टी में आगे जाएगा, इसीलिए मैंने इस पार्टी को चुना। रफी जी, अगर मैं बात करूं तो हमेशा से विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि सरकार अल्पसंख्यकों का शोषण करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत आरोप लगा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, देखिए 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, इसके बाद से 2022 तक का आप रिजल्ट देखें, IAS, IPS, PCS, लोअर क्लास के कॉन्स्टेबल, लेखपाल और बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। जब इन भर्तियों के रिजल्ट आप उठा के देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा, पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा अल्पसंख्यक बच्चे इसमें सिलेक्शन पाए हैं, उन्हें वो सीट मिली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए साफ संदेश है कि ये सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, हर वर्ग को साथ लेके चल रही है। तो अर इन सरकार ने कलम दिया, कलम के साथ साथ शिक्षा दी, शिक्षा होगी तभी हम तरक्की करेंगे, और आज हम बड़े बड़े पदों पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि बिना भेदभाव के रिजल्ट आता है और जो बच्चा सही में क्वालिफाइड होता है उसको वहाँ चयनित किया जाता है। पिछली सरकारों में अलग अलग अपने हिसाब से सरकारें चयनित करती थी, लेकिन इस सरकार में ये बदलाव हुआ है कि सच में जो जिस चीज़ का हकदार है वो उसे मिलती है। रफी जी, अभी यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो इसके लिए कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त, जैसे भी चुनाव आयोग की घोषणा होगी चुनाव के लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मेहनत से जमीन पर काम कर रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तरक्की की ओर चल रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार जो नगर पंचायत, जो नगर निगम हम हारे थे वो भी हम जीत रहे हैं। जी रफी जी, निकाय चुनाव नजदीक है, अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या आप भी कोई बड़ी दावेदारी ठोक सकते हैं? नहीं, मेरा लक्ष्य था 2022 में, मैंने विधानसभा की तैयारी की, 29 विधानसभा कुंदर की, जनपद मुरादाबाद से। जी। किसी वजह से हाईकमान के द्वारा मुझे टिकट नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। मेरा अगला लक्ष्य है कि मैं 2024 में MP का टिकट मांगूंगा संभल लोकसभा से, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है और वो मुझे पैदान में उतारेगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं उतारेगी, जिस प्रत्याशी को वो उतारेगी मैं उसके साथ कांधे से कांधा मिला के चलूंगा। रफी जी, अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप मैदान में उतरते हैं, तो क्या लगता है जनता का आपको सपोर्ट मिलेगा? कि बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ और गरीब लोगों से मुझे प्यार है। मैं महलों में नहीं जाता, मैं गरीबों से मिलता हूँ, हर वर्ग हर धर्म के लोगों से मिलता हूँ, इतना प्रेम मुझे मिलता है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी वहाँ जनता किसी को इतना प्रेम देती है, मैं उनका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे गरीबी बेबसी में जीवन यापन करने के बाद मैंने उनका दर्द जाना। मैं अपनों के बीच में बैठता हूँ, हर वर्ग का सम्मान करता हूँ, गले लगाकर चलता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा तो वह निश्चित ही हम विजय की ओर जाएंगे। रफी जी, अगर आपको टिकट मिलता है, आप मैदान में उतरते हैं, तो किस एजेंडे के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि एक तो बेरोजगारी, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना होगा, जो बच्चे खेल मैदान में रुचि रखते हैं उनको खेल में प्लेटफॉर्म उनको ऐसा तैयार करके देना होगा ताकि वो स्टेट के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन करें। जिन कमियों को लेके हमने देखा है, जैसे मजदूरी, हमारे वहाँ चरम सीमा पे लोग ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को उस जगह पर लाकर वहाँ रोजगार के साधन खोलने होंगे ताकि वो लोग जो 40-50-30 किलोमीटर दूर जाकर मेहनत करते हैं वो अपने घर में मेहनत करें और वहीं से रोजी रोटी उनकी अच्छे से चल सके। रफी जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, तो प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष करते रहें, ईमानदारी के साथ संघर्ष करें, हर गरीब का सम्मान करें, लोगों से मिलें, उन्हें प्यार दें, इसने दें, जहाँ जितनी जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसका सहयोग करें, सबसे नमस्कार करें, बुजुर्गों का आदर करें, और अपने साथ साथ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे पूर्ण रूप से समझें, वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझें, और जो काम आप नहीं करा पा रहे हैं तो जिन लोगों से आप जुड़े उस माध्यम से उस समस्या का हल कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद रफी जी आपका। तो ये थे भाजपा नेता मोहम्मद रफी जी।
अभी के लिए प्राइम टीवी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।